हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिकल्स ब्लॉग वंस अगेन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा सा किया था, वो आप लोगों को दिखा नहीं पाए। शायद आज रिटर्न होते समय मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ ऐसा खास नहीं था, मेरे को शू चाहिए था तो उस बेसिस पे ही शू ख़रीदा। कुछ इनर थर्मल्स खरीदे थे तो डायरेक्ट रूम से निकल के आ गए। और आज प्लानिंग है दूसरा साइट सीन करने के लिए, क्योंकि कल शायद मैं मीरी कशिंग ये सब जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, इस पकोरा, थैंक यू। तो वैसे ही आज प्लानिंग किया हूँ यहाँ का दो तीन प्लेसेस विजिट करने के लिए। मेरा स्टे से पीस पकोरा ऑलमोस्ट 34 to 40 किलोमीटर्स है, आई थिंक सो। गूगल मैप में दो रास्ता दिखा रहे हैं, एक से 34, एक से ऑलमोस्ट 40। देखते जो रास्ता अच्छा मिलेगा उसी से आराम से राइड करके चले जाएंगे। और ये हिल्स में वैसे भी आप लोगों को हर्ष नहीं करना चाहिए, आराम से निकल के जितना आपका साइट सीन करना है देख के आइए। और आज वेदर थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, ऑल्डो मैं रेनवेयर लेके आया हूँ, क्योंकि पता चलता है कि अचानक से बारिश होगी और मेरे पास पहनने के लिए रेनवेयर नहीं है। बेटर टू टेक योर प्रोटेक्शन। स्लोपिंग्स यार, इतना नैरो रोड्स और इतना हाई ऑल्टीट्यूड में राइड करना, लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो वैसे ही आप लोगों के साथ ये राइड एंजॉय कर रहा हूँ, होपफुली आप भी एंजॉय करो ये वीडियो के थ्रू। मैम, पीस पकड़ा किस साइड है, आगे ना? ओके, थैंक यू। पीस पकोरा एक्चुअली बनाया गया था 80s में, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1885 में एक जैपनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, जिन्होंने ये बहुत ही जगह पे पीस पकोरा बना के रखा है, जैसे जापान में हो और कोई कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसी में से एक यहाँ पे है इंडिया में, जो कि दार्जिलिंग में। ये ऑलमोस्ट कुछ आई थिंक सो 94 feet हाइट का है, एंड बहुत ही एक पीसफुल स्पेस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पहुंच भी गया मैं आप लोगों से बात करते करते। तो ये पीस पकोरा
जिनके गाइडेंस में बनाया गया था उनका नाम कुछ निशिदत्सु फुजी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके गाइडेंस में ये कोई कोई बुद्धिस्ट मॉन्क ने सपोर्ट करके ये बहुत एक अच्छा सा जगह बना के तैयार करके रखा है, जो कि आगे वाले दिन के लिए इट विल बी ए वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट एंड ए पीसफुल प्लेस टू कम योर माइंड, होपफुली वही एक प्लानिंग था। तो मैं पटाख से बाइक पार्क कर देता हूँ, फिर आप लोगों को डायरेक्ट मंदिर में मिलता हूँ। हल्का सा बूंदा बूंदी भी हो गया ऊपर से, बट अच्छा लग रहा है। वैसे भी जूता पूरा भीगा हुआ है मेरा, तो यहाँ आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। और दार्जिलिंग में जब से घूम रहा हूँ मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ का क्लीनलीनेस। इतना साफ़ सुथरा है जगह, इसीलिए शायद यहाँ पे आके बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और आप लोगों को अच्छे से नज़ारा करवाते हैं जगह का। वाह, कितना ही खूबसूरत है ये पगोरा। चार अवतार है बुद्ध का इसमें, तो ये काइंड ऑफ ए टॉम्ब होता है, बरीड प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो उसी बेस पे टोटल 80 पगोराज है पूरा वर्ल्ड में, जिसमें से नेपाल में दो है, ये एक है पीस पगोरा, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाया गया है। आप लोगों को फ़िलहाल के लिए मैं यही दर्शन करवाता हूँ अच्छे से। यहाँ का सराउंडिंग्स में एक डिफरेंट एनर्जी रोम करती रहती है। यहाँ पे जब से मैं पैर रखा हूँ तो आई कैन फील दैट एनर्जी, इतना ही स्ट्रॉन्ग, मतलब हैपनिंग प्लेस है। और बगल में ही एक प्रेयर करने के लिए मतलब स्टैचू रखा गया है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज आई डोंट फील फ्रेश एज ऑफ नाउ। मंदिर का दर्शन कर लिया, बहुत ही मन शांत हो गया वो यहाँ। और मैं आपको बोलना भूल ही गया था, ये जो पीस पगोरा स्थित है वो एक हिल टॉप में, जो हिल का नाम आई थिंक सो जलपहार है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मंदिर से निकल के अभी गूगल मैप में एक दूसरा सा मोनेस्ट्री पेश कर दिया हूँ, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, हार्डली 10-15 किलोमीटर्स होगा, ऑन द वे होगा। तो अभी आज का मतलब जो प्लानिंग है उस बेस पे मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
यहाँ पे हिल्स में जो लोग रहते हैं, लाइक आई फील उन लोगों का लाइफ बहुत ही हैपनिंग होगा, क्योंकि कुछ झंझट नहीं, ट्रैफिक नहीं, चोर शराबा नहीं, आराम से टाइम पे उठो, टाइम पे अपना रूटीन काम करो, करने के बाद डे ऑफ, आराम से सो जाओ। कुछ जो हम लोगों का बिजी स्केड्यूल होता है सिटी लाइफ में, वो यहाँ पे मेरे को एकदम ही कम दिखाई दे रहा है। लोगों का लाइफ बहुत ही सिंपल है, डेली जो अपना मार धुरा का काम होता है वैसा नहीं है। ये लोग आराम से चिल करके उठते और मज़े से इन वादियों के साथ एंजॉय करते होंगे। ऐसे ही बात करते करते मैं पहुंच गया ड्रुकसांग सोलिंग मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा डिस्टेंस में ही था पीस पगुरा का। कुछ ट्रैवल करते करते मैंने सोचा कि यार कुछ खा लेंगे, फिर याद आया कि नहीं, मोनेस्ट्री जाने के लिए बोला था अभी अभी, तो मोनेस्ट्री गए बिना, जैसे हम लोगों का मंदिर होता है ऑब्वियसली हर एक मंदिर वैसे ही होता है। ऐसे ही अपना बाइक बाहर ही पार्क करके आगे अंदर टिकट काट लेते। टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट 20 रुपीज़, तो आप लोगों ने देख लिया। ये एक्चुअली म्यूजियम भी है यहाँ बगल में, मोनेस्ट्री का कोई फ़ैन नहीं होता है, तो पहले मोनेस्ट्री देख लेता हूँ उसके बाद म्यूजियम चले जाएंगे। मोनेस्ट्री के अंदर तो वीडियो करना अलाउड होता नहीं है, बिकॉज इट्स ए वेरी धार्मिक वाला जगह। हम लोग अब मंदिर में भी कौन सा हम लोग वीडियो करते हैं, और ये जितना हो सकते है बाहर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ एन्जॉय द वीडियो टिल द एंड विद सम ब्यूटीफुल म्यूजिक। मोनेस्ट्री देख के आ गया थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, काइंड ऑफ नोबलाइज जो हम लोग होता है उसी तरह का मोनेस्ट्री में बच्चे लोग पढ़ते भी है, यहाँ पे टीचर्स होता है। मोनेस्ट्री का व्यू देख ले, कितना सा सुंदर कलरफुल मोनेस्ट्री बना के रखा हुआ है और इतना साफ सुथरा, मेरे को देख के ही लाइक एक मन में कुछ अलग ही फीलिंग आ जाता है। और यहाँ पे कौवा हुआ भी नहीं होता, हम लोग वहाँ पे कौवा कितना चिल्लम चिल्ला करता है। बस मंदिरों को इतना साफ सुथरा रखने से ना हर कोई जो भी वहाँ विजिट करता है एक्चुअल में बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत पीसफुल जगह होता है, तो पीसफुल जगह पे आप अगर अशांति देखोगे तो मज़ा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में बुड्ढा का एक स्टैचू है, और उसके बगल में ही फीडिंग करके रखा हुआ है पिजिन्स को, उसका भी क्लोज शॉट ले लेंगे। तो थोड़ा बहुत और मोनेस्ट्री का अंदर देखने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को दिखा पाते हैं तो ऑब्वियसली दिखाएंगे। ये स्टूपाज है, जैसे मैंने बोला था ना तब, जैसे बुद्ध का बहुत ही अवतार है, तो उसमें से ये तीन अवतारों का यहाँ पर एक स्टूपा है। पिजिन्स को देखिए कितना आराम से, डर भी नहीं लग रहा है इन लोगों को, आराम से अपना खाना खा रहे और मस्ती से घूम रहे। यहाँ पे आके यार पूरा मन शांत हो गया और बहुत ही खुशी मिला है। आशा कर रहा हूँ कि कभी यहाँ पे एक भी अपना एक घर हो और यहाँ पे विजिट करते रहूँ साल में 3-4 बार। ये सब देख के मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करे, पर अभी टाइम भी हो चुका है, 4:10 हुआ है, मुझे म्यूज़ियम भी देखना है। यहाँ का म्यूज़ियम देख के सोच रहा हूँ आज मिरिक लगा लूँ, अगर रात हो गया तो नहीं जाएंगे, मैं दार्जिलिंग में स्टे कर लूँगा, कल सुबह का प्लानिंग करेंगे।
तो म्यूजियम देख के आते, फिर आप लोगों को ऑन रोड मिलते। Two hours later. जैसे आप लोगों ने देखा, निकलते ही मेरे को टॉय ट्रेन दिखाई दिया। तो आज मेरी का प्लानिंग कैंसिल, 50 रुपये का टिकट काट लिया। थोड़ा सा दूर में ही बतासिया लूप था, ये एक गार्डन है जहाँ पे आप चिल कर सकते हो इवनिंग टाइम में। बहुत लोगों ने बोला कि भैया अभी मत जाओ, मेरी काइंड ऑफ स्कैरी है रोज़, और आपको इतना अच्छा मतलब क्राउड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मस्ती करते थोड़ा देर बतासिया लूप में, और यहाँ का मतलब वेदर आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ ये जो गार्डन है, गार्डन के अंदर से टॉय ट्रेन निकलते हैं, वो सब व्यू भी दिखाएंगे। तब तक आप लोग ये गार्डन का एन्जॉयमेंट ले लीजिए, बहुत ही लोग यहाँ पे चिल करने आते हैं। एन्जॉय द एवरग्रीन ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग विथ सम ब्यूटीफुल म्यूजिक। ऐसे ही नहीं अड्डा मारने आते लोग यहाँ पे, काश हम लोग के वहाँ भी ऐसा कुछ होता है। हिल्स में ये एक मज़ा है। तो यही है हिमालयन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का बोर्ड, और आपके बगल से ही मैं आपको दिखा दूँगा जब भी ट्रेन निकलेगा। तब तक सराउंडिंग को अच्छे से एंजॉय कर लीजिए, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे ही बोरिंग वाला चीज़, पर हाँ मज़ा है। और यहाँ पे लिखा भी है आई लव दार्जिलिंग। थोड़ा बहुत फोटो सेशन कर लेते, फोटो सेंड करके थंबनेल वीडियो चाहिए ना, सिर्फ वीडियो बनाता रहूँगे तो आप लोगों के लिए दो एक थंबनेल भी क्लिक कर लेता हूँ, जो होगा वो अटैच कर देंगे। फोटोजेनिक एरिया है।